14 मई 2018 सुबह का समय है। रात में काफ़ी बारिश हुई, बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैं अभी यहाँ तैयारी कर रहा था तो याद आया कि लाओ हम थोड़ा बना लें। श्रीमती जी जो हैं इस समय सो रही हैं, अभी इनको कुछ शुगर के पेशेंट हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं। खैर यहाँ निकल आए, निकल आएंगे बड़े ताजुब की बात, सामने खड़ी हैं। तो ये बछिया जो है, बछिया रात में हम समझा कि भाई पानी बरसा हुई तो हुआ चली गई हुई, बजाय हुआ के पता नहीं है कि उबड़ खाबड़ में कैसे इधर आई और आके हियाँ गिरी पड़ी यही पाइप के ऊपर हियाँ एकदम। हम सुबह देखा तो देखा ऐसा पड़ी, हम समझे मर मर आ गई का, ये हवा में उड़ के आ गई हियाँ, ये हवा में उड़ के आई कैसे आई बजाय उधर जाए के, और यहीं में पड़ी। फिर देख उनका कोई तो उठावा पूंछ पकड़ा ले गए हुआ और ले जा कर के चद्दर उद्दर ओढ़ा हुआ है उनका। भाई रात में इतना पानी बरसाओ गीले में ठंडे में कमज़ोर बछिया पढ़ने कैसे बच गई, वो तो ओढ़ा ओढ़ा दिया है तो पागुर कर रही थी। वही कहा उनका उठा ले गए टार्चियाँ भूल गए रहे हम, ऐसा ले जाओ टार्च का देव अंदर लेट जाओ। नारियल के पत्ते देखो सब टूट टूट के गिरे हैं, एक सीमेंट की चादर हुआ सब पता नहीं कैसे उड़ के आके हुआ वो गिरा और टूटा नहीं वो। और रात में देखो दुई बेल वो गिरे हैं, है ना, वही जो सरिया है वही में अटके पड़े हैं सब। तो बस यहाँ ओढ़ा ओढ़ा के खड़ी है, तो वही हमने ये बनाया कि देखो ये भुवन सिंह ने का केला है, आए दिन करेंगे क्या बाजार में 100-200 का केला। अरे भैया बंदरों के बीच में जाओ तो अपना परिवार समझो, उनको लाख लोगों को समझाओ, चाहे वो गद्दे वाले गद्दा वाले हैं, वैसा आटा बेचते हैं ना वो रोटी, वो सबसे बंदर खाने को नहीं आते हैं। बड़ा भयंकर एक से एक आदमी ऐसे हैं कि सब सुनेंगे जानेंगे, लेकिन ना वो मंदिर के आजकल चंदापुर मंदिर के महंत बने हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग महंत बनते हैं, देश को लूटने वाले नेता बन जाते हैं। तो यही है सब, कहाँ समाज सुधरेगा। ये देखो ये गद्दा वाले की यहाँ की रोटियाँ ढेर के ढेर पड़ी हैं, बछिया रानी नहीं खा रही, देखिए आप काली काली सी रोटी, मना कर देंगे भैया ये सब मत किया करो। इसका पैर जो है किसी तरह से तिरछा तिरछा सा है, अब घाव है ना, हड्डी निकल गई है इसके पैर से तो पैर रह नहीं पाती हैं, और कांप रही जाड़े के मारे जला गई हैं शायद। चलो भाई उड़ा दे तुम, हम और काले से उड़ ले तुम, जान तो बचे भगवान, ऐसे ऐसे जानवर के ऊपर मुसीबत देखी आप। तो वही हम कहा एक जब कैमरा उठाते हैं तो फिर वही होता है कि लाओ कुछ हम बनावें, कुछ समझावें, कुछ दिखावें। अभी बंदर के लिए तैयारी कर रहे हैं और लौट के आके लाइव पर बोलेंगे। बिजली रात में गई है, जब बारिश आई है यहाँ पर वही 8 बजे के आसपास, उसके बाद में 3 बजे रात में 2:30 या 3:45 बजे बिजली आई है, 2:30-3 बज गए हैं। अब सुबह उठे हैं, देखिए पैकेट के पैकेट ये रोटियां सब पड़ी हुई हैं। अब इनको सब लोगों से कहो कि अरे भैया तोड़ के भेजो, लेकिन ना ये सब सुखो बाबू के रोटियां हैं, ये सब रोटियां हैं कल की, ये झिल्ली में कोई डाल गया है, ये रोटी में देखिए भुड़ना लग रहा है, नीचे पड़ा पड़ा इसमें भुड़ना लग गए, ये देखो पता नहीं कब के रोटी कम कौन डाल जाता है आकर के। अब ये सूखे तभी इसको जानवर खाएगी, बंदर तो खाएगा नहीं इसको, बंदर तो सूंघ के खाते हैं सब। ये केले को अभी देखिए चाकू रखा है, इस केलों को मैंने काटा है, लाख समझाओ पता नहीं क्या दुनिया में समझेंगे, हाँ हाँ करेंगे और फिर उल्टा सीधा अपने मन की करेंगे।
कई बार भुवन सिंह से कहा गया, जब इतना पैसा खर्चा करते हो, मरते हो, ड्यूटी देते हो, काम करते हो, तो झला मन लगा के करो, उसी चीज को ढंग से कहो। वही है कि ले खा और लीजिए खाइए, जैसे जमीन आसमान का फर्क हो गया कि नहीं हो गया। ले खा तो अगर खाना भी होगा तो आदमी नहीं खाएगा, अपनी बेइज्जती महसूस करेगा। ले खा लीजिए लीजिए लीजिए, नोट फरमाइए, लीजिए खाइए, एक लहजा होता है बोलने का। तो नहीं भी मन होगा तो भी वो आदमी खा लेगा, है ना। लाख समझाते हैं दुनिया को, है? आज मैंने चैलेंज किया है, इसीलिए कल विनय पांडे का फोन आया, कहें बाबा जी आप किसी नेता का नाम मत लो। जब कोई नहीं आपको पहचानता है, 70 साल हो गए आपको, किसी नेता ने आज तक आपको पहचाना? क्यों नेताओं का नाम लेते हैं? अरे कोई सांपनाथ, कोई नागनाथ, उनका यही कहना है, छोड़ो सब नेताओं को, कोई पहचाना आज तक? और जबकि आपको चाहिए कुछ नहीं, मुसीबत आई कोई काम नहीं आया। आजकल का फैशन मालूम क्या चला है? आप चाहे जितने बड़े अपराधी हों, दो चार नेताओं के जो वर्तमान सरकार में हों, उनका नाम, उनका फोटो और नीचे अपना फोटो लगा लीजिए। कल आप बीजेपी को माँ बहन की गाली दे रहे थे, आज बीजेपी के नेताओं का फोटो लगा के, होल्डिंग लगा के दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए साहब मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। एक परंपरा सी चल गई है। अब बताइए, रात में 2:30-3 बजे की बिजली गई, अंधेरे में मारे मच्छर के, मच्छर इतना क्यों है वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। रोड के किनारे नगर पालिका की मेहरबानी, करोड़ों अरबों असंख्य मच्छरों का वो पनाहगाह नगर पालिका की मेहरबानी से बना है। इसको आप सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे, क्या इसके ऊपर कोई गौर फरमाएंगे? नहीं फरमाएंगे, नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन लगाइए, कोई नहीं सुनेगा। भीड़ लेके जाइए, नाटक दिखाइए, ज्ञापन लेके जाइए, तब सुनवाई होगी। क्या है कानून हमारे यहाँ का? अरे कानून तो यह होना चाहिए, जिस नेता के कारण, जिस अधिकारी के कारण कोई गलत काम हुआ हो, उसको अंदर भेजो, तुरंत अंदर भेजो उसको अंदर। लेकिन ना, यही मैं एग्जाम्पल देते 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 मैं बुढ़ा हो गया। अब हमारे शुभचिंतक लोग जो है, विनय पांडे ने कहा कि नहीं बाबा, बाबा आज हम आप हम जयराम जी की आपको बोल देंगे। कोई नेता आज तक नहीं, किसी पार्टी के नेता ने आपको नहीं पहचाना, क्या जरूरत आप उनकी वो करें? अब कितनी गालियां आपको मिलती है, कोई कह रहा बाबा बटरिंग कर रहा है, कोई कह रहा बाबा वो पैसा खा गया है, पैसा मिल रहा है, कोई कुछ, कोई कहीं कहीं किसी के ना, जिसको गर्ज हो आपके पास आ गए। ये बात हमको पीएल मैडम ने कहा था जलंधर की, कि बाबा आप किसी पार्टी के नाम मत लिया करो, आपकी एक छवि अलग है, पूरी दुनिया से आप एक अलग हैं। खैर, तो यही मैंने दिखाया। वो देखिए चक्की चिड़िया बोल रही है खामोशी, देखिए वही काली काली सी बुलबुल है, काली काली सी बुलबुल, ऐसा कौवा भी इसका पीछा करते हैं। ये देखिए एकदम काले रंग की है, ये उड़ के गई उधर। सुबह का टाइम, अरे सोच रहे निकल जाए, बंदर खिलाए हमें जा करके, सब अधूरा पड़ा है सब, यहाँ ना कोई चीज टुक ताल से बना है, और सारा बुढ़ा सारा भी तब अस्त व्यस्त पड़ा है, ना कुछ बंदा भी, भयंकर आंधी आ जाए तो हो सकता है सब उड़ पड़ के बाहर चले जाए, ना इनके अंदर कोई रोक नहीं लगी है। यहाँ ऐसे भी रखा है, यहाँ भी रोक होनी चाहिए, बंधा नहीं है। हम सारे हालातों को दिखाते हैं, हमें देखिए पार्सल रजिस्ट्री आके रखी है, अब हम ही तोड़ें, श्रीमती जी से कहो तो भन 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 वो भन बनाने लगती हैं, कहते जब इन लोगों तोड़ के नहीं भेज सकते हैं, लोग भेजते हैं रोटी ना, ये तो बड़ा एहसान करते हैं मेरे ऊपर जी, देखिए कितना अंधा समाज है हमारा। वही बताए कि हमने कहा देखो लखनऊ में हमारी बेटी है, लाखों महिलाओं को अब तक वो इसके पास पहुंच जाना था, लेकिन नहीं 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 ना 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 ना, वो लाख चैलेंज हो ना ना, किसके पास